हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक और तरह के नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया की, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर। तो देखिए, ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल क्या होता है, वो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं उसको। अब आज हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल की, क्योंकि आज के समय में जो टेक्नोलॉजी जो इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है, और मैक्सिमम जगह जहाँ भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो आप देखेंगे वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअली होते क्या हैं? ऑप्टिकल फाइबर जो है बेसिकली ग्लास के थिन फाइबर होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में ग्लास फाइबर होता है बहुत ही बारीक, और वो ग्लास फाइबर किस में एनकेस्ड रहता है? एक प्लास्टिक जैकेट में। उससे फ़ायदा क्या होता है कि विच अलाउज द फाइबर टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग। तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि ऑप्टिकल फाइबर कंस्ट्रक्शन में आप समझेंगे, तो सपोज़ कीजिए कि ये एक बहुत ही बारीक ग्लास का थिन फाइबर है, और इसके ऊपर एक प्लास्टिक जैकेट होती है। मतलब ये एक प्लास्टिक जैकेट में, मान लीजिए ये ऐसे, हालांकि इतना मोटा नहीं, बहुत बारीक होता है, मान लीजिए ये इसके ऊपर एक कवर होता है, और मेन जो जिसके थ्रू डाटा ट्रांसमिट होता है वो ये रेड कलर का जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये ग्लास का थिन फाइबर है। ठीक, और ये जो हमने ग्रीन कलर से दिखाया है, ये तो खाली एक कवर है, इसका प्लास्टिक जैकेट है वो इसलिए हुए ताकि ये बेंड ना हो, अगर बेंड भी होता है तो टूटे ना। तो इस तरह ऑप्टिकल फाइबर बनता है। ठीक है, और एक चीज़ में आपको और ध्यान देने वाली है कि ऑप्टिकल, देखिए इसका नाम ऑप्टिकल, और आपने देखा होगा ऑप्टिक वर्ड जहाँ आएगा दैट इज़ रिलेटेड टू लाइट। ठीक, तो इसको ऑप्टिकल फाइबर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो डेटा ट्रांसमिट होता है, डाटा ट्रांसमिशन जो होता है वो यूज़ होता है, डाटा ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस यूजिंग लाइट। डाटा ट्रांसमिशन जो है लाइट को यूज़ करके किया जाता है, इसीलिए इसको ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता ही दिया। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये ट्रांसमीटर एट वन एंड यूजेज ए लाइट एमिटिंग डायोड और एलईडी या लेज़र भी टू सेंड पल्सेज ऑफ लाइट डाउन द फाइबर विच आर डिटेक्टेड एट द अदर एंड बाई ए लाइट सेंसिटिव ट्रांजिस्टर। यानी इसमें क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए, सपोज़ कीजिए ये फाइबर है हमारा, इससे डाटा ट्रांसमिट करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसमिटिंग एंड पे एक एलईडी लगी होगी, यहाँ पे एक एलईडी लगी होगी। एलईडी क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक, इसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए होगी तो एलईडी की वीडियो आप देख लीजिए चैनल पे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस ये लाइट एमिटिंग डायोड जब लाइट एमिट करता है तो वो लाइट डाउन द फाइबर ऐसे ट्रेवल करती है, समझ रहे हैं, वो ऐसे इसके अंदर ट्रेवल करती है। और रिसीविंग एंड पे, ये मान लीजिए आपका रिसीवर है, तो रिसीविंग एंड पे क्या होता है, लाइट सेंसिटिव ट्रांजिस्टर लगा होता है। यहाँ पे क्या लगा होता है, लाइट सेंसिटिव ट्रांजिस्टर। तो जब भी कोई लाइट वहाँ पे आती है, ये ट्रांजिस्टर उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो ये वर्किंग होती है ऑप्टिकल फाइबर की। अब इसमें एक चीज़ और है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज ऑप्टिकल फाइबर्स दैट कैरी डिजिटल डाटा सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेटेड पल्सेस ऑफ लाइट। तो इसमें जो डेटा ट्रेवल करता है वो लाइट पल्सेस होती है, लेकिन वो मॉड्यूलेटेड होती है, दे आर मॉड्यूलेटेड लाइट पल्सेस। एन ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ एन एक्सट्रीमली थिन सिलेंडर ऑफ ग्लास कॉल्ड द कोर। वही जो अभी मैंने ये ग्रीन वाला बताया था, प्लास्टिक जैकेट, ये समझ लीजिए दिस इज कॉल्ड कोर, सराउंडेड बाई ए कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ ग्लास नोन एज क्लैडिंग। यानी इसके ऊपर एक और लेयर ऑफ ग्लास सराउंडेड रहती है, एंड दैट इज कॉल्ड, वो कहलाता है क्लैडिंग, CLADDING, दैट इज कॉल्ड क्लैडिंग। ठीक है, देयर आर टू फाइबर्स पर केबल, वन टू ट्रांसमिट एंड वन टू रिसीव। मतलब कोई भी आप ऑप्टिकल फाइबर, मान लीजिए आप वेब मार्केट से आप लेके आए, ऐसे ही आपने कहा एक टुकड़ा ले लिया आपने, तो आप एक टुकड़ा लोगे तो अंदर उसके जो है दो फाइबर होंगे, यह आप ध्यान रखिएगा, उसके अंदर दो फाइबर,
एक ये और एक ये, ठीक। एक डेटा ट्रांसमिट करने का काम करेगा, एक डेटा रिसीव करने का काम करेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि देयर आर टू फाइबर्स पर केबल, वन टू ट्रांसमिट एंड वन टू रिसीव। द कोर ऑल्सो कैन बी एन ऑप्टिकल क्वालिटी क्लियर प्लास्टिक एंड द क्लैडिंग कैन बी मेड अप ऑफ जेल दैट रिफ्लेक्ट सिग्नल्स बैक इनटू द फाइबर टू रिड्यूस सिग्नल लॉस। तो इसमें जो क्लैडिंग होती है, देखिए जो क्लैडिंग होती है यहाँ पे, क्लैडिंग का काम ये होता है कि ऑप्टिकल फाइबर में, देखिए सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, अब इसको थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा, वो आप ध्यान में रखिए। ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, समझ गए आप। मतलब जब ये मीडियम, जैसे लाइट रेस चली हो और यहाँ पे जब ये टकराएंगी तो यहाँ से टोटल 100% रिफ्लेक्शन हो जाएगा वापस ऐसे, ठीक है। फिर ये ऐसे ट्रेवल करेंगी, फिर जब यहाँ टकराएंगी फिर 100% रिफ्लेक्शन होगा, मतलब कोई एब्जॉर्ब यहाँ पे लाइट वेव एब्जॉर्ब नहीं होगी, नो एब्जॉर्ब, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी को अश्योर करने के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अश्योर करने के लिए इस क्लैडिंग जेल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सिग्नल का लॉस ना हो। तो ये मेन वर्किंग है ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करता है। बाकी ये कि डीप में आगे कभी जब कोई पर्टिकुलर टॉपिक आएगा जिसमें डीप में इसको स्टडी करना हो ऑप्टिकल फाइबर को, तो हम इसको और आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है कि ऑप्टिकल फाइबर दो तरह के होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। एक हो गया आपका सिंगल मोड फाइबर, वन इज कॉल्ड सिंगल मोड फाइबर, मतलब SMF ये, और दूसरा होता है मल्टी मोड फाइबर, मल्टी मोड फाइबर MMF, ठीक है। सिंगल मोड फाइबर में क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए कि व्हाइट इज कॉल्ड सिंगल मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर में ये होता है कि एक सिंगल रे ऑफ लाइट इज यूज टू कैरी ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। इसमें क्या होता है कि एक सिंगल रे, एक लाइट की एक किरण, सिंगल रे ऑफ लाइट, लाइट की एक किरण यूज होती है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए या सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजने के लिए। अब मल्टी मोड में क्या होता है, यहाँ पे कई रेज यूज होती है, मल्टी रेज, ठीक है, मल्टी रेज ऑफ लाइट साइमल्टेनियसली यूज विद ईच रे ऑफ लाइट रनिंग एट ए डिफरेंट रिफ्लेक्शन एंगल टू कैरी द ट्रांसमिशन ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होता है, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। इसमें क्या होता है, कई रे ऑफ लाइट होती हैं, मान लीजिए एक ये जा रही है, दूसरी ये जा रही है, तीसरी ये जा रही है। अब यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा ऐसे, टोटल रिफ्लेक्शन इसका ऐसे, इसका ऐसे, ठीक है। तो मल्टी मोड फाइबर में कई रेज लाइट की यूज होती है और सिंगल रे फाइबर उसमें आपके SMF में सिंगल रे यूज होती है। ये डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें जो डेटा ट्रांसमिट किया जाता है वो शॉर्ट डिस्टेंस में किया जाता है। अब इसके बाद कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक और एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की। जैसे हमने ट्विस्टेड पेयर और उसका कोएक्सियल की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, ऐसे इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, सबसे पहली बात तो ये है कि महंगे होते हैं, समझ रहे हैं आप। हालांकि स्पीड डेटा ट्रांसफर की बहुत हाई होती है लेकिन उस हिसाब से ये महंगे भी होते हैं। तो एक तो ये एक्सपेंसिव होता है, दूसरा इसका इंस्टॉलेशन भी आसान नहीं होता। तो आप लिख सकते हैं वेरी हार्ड टू इंस्टॉल, वेरी हार्ड टू इंस्टॉल। तीसरा क्या है कि कैपेबल ऑफ एक्सट्रीमली हाई स्पीड, यही इसका सबसे बड़ा फायदा है, कैपेबल ऑफ
एक्सट्रीमली हाई स्पीड, मतलब इनका और ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल का कोई कंपैरिजन नहीं है, तो कैपेबल ऑफ एक्सट्रीमली हाई स्पीड, यही मेन चीज है। और इसमें एटीन्यूएशन जो होता है सिग्नल का, दैट इज वेरी लो, एक्सट्रीमली लो एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन क्या होता है ये आपको मैंने अभी बताया नहीं, आपको पता है क्या होता है एटीन्यूएशन? इसको मैं अलग से बता देता हूँ, आपको आसानी से समझ लीजिए इसको एक लाइन में। एटीन्यूएशन क्या होता है कि जब कोई लाइट रे या कोई भी रे जो है किसी मीडियम के एज पे, किनारे पे पहुंचती, यहाँ पहुंचती है इस जगह, मान लीजिए ये किनारा है, यहाँ पहुंचती है, तो क्या होता है कि जो ओरिजिनल सिग्नल था वो थोड़ा वीक हो जाता है, एटीन्यूएट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एटीन्यूएट। या आप एटीन्यूएशन को सीधा सीधा आप ऐसे समझ सकते हैं, वीकनेस, ऐसे समझ लीजिए, जब टेक्निकल डिटेल आएगी तब बात करेंगे, वीकनेस ऑफ सिग्नल। तो इसमें सिग्नल जो है आपका ज़्यादा वीक नहीं होता, एटीन्यूएशन नहीं होता, ख़राब नहीं होता। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, नो EMI। तो देखिए ये अच्छे फायदे, तभी आदमी इसको, इसके पैसा भी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है उन दोनों कंपेरिजन में। एक तो स्पीड बहुत हाई है, एटीन्यूएशन बिल्कुल लो है, एकदम लगभग नहीं के बराबर, और कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इस पर फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए आज के समय में अब जो भी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है, जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, सब में डेटा ट्रांसमिशन ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही होता है। इवन अब आज के समय में तो घरों में आप देख रहे हैं जो ब्रॉडबैंड लग रहे हैं उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर की मदद से ही सिग्नल जा रहा है। एडवांटेज इसके क्या है? एडवांटेज है, पहला तो फास्ट है, हमने आपको बता ही दिया। दूसरा क्या है? लो एटीन्यूएशन, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं, लो एटीन्यूएशन। और तीसरा क्या है? नो EMI इंटरफेरेंस। तो ये तीनों चीज़ें हम लोग करेक्टरिस्टिक में बात कर चुके हैं, नो EMI इंटरफेरेंस। तो इसीलिए आज के समय में ऑप्टिकल फाइबर आर गोइंग टू बी पॉपुलर ऑन डे बाई डे बेसिस। मैक्सिमम जगह पे ऑप्टिकल फाइबर का इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें जो हाई स्पीड, लो एटीन्यूएशन और लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस वाली जो क्वालिटी है वो इसको बाकी दोनों से, ट्विस्टेड पेयर से और कोएक्सियल से कहीं बेहतर बनाती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, डाउट है या कुछ और आप पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो चैनल पर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।